हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ ठंडी या फिर शरद ऋतु में जो वात का प्रकोप होता है और जिसके वजह से हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसके लिए एक कमाल की औषधि है। ये तीन प्रकार के मिश्रण से बना हुआ होता है, आंबी हल्दी का चूर्ण, मेथी का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण। इन तीनों के चूर्ण के मिश्रण से औषधि तैयार होती है। इसको सुबह में खाली पेट में और इसके बाद आप शाम को भी इसको ले सकते हैं खाली पेट में, एक एक चम्मच लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे जिनको भी वात बढ़ा हुआ है, गठिया बाद में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी सिक्स, B12 की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर में हड्डियों के दर्द को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसके अलावा जिन्हें भी सर्दी खांसी या बुखार है, वो भी इस चूर्ण को आराम के साथ ले सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक होने लगती है। आप वातारी चूर्ण या फिर वातारी टेबलेट्स को जो भी गठिया बात वाले हैं या फिर जिन्हें भी जोड़ों का दर्द रहता है, हमेशा शरीर में दर्द बना रहता है, तो वो इस चूर्ण को या फिर इसके बदले टेबलेट्स को आराम के साथ ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं वातारी चूर्ण के घटक। वातारी चूर्ण के जो घटक है वो है सौंठ, विधारा, अश्वगंधा, कुटकी, मेथी। सभी के मिश्रण से वातारी चूर्ण बनाया जाता है, जो ठंडी के दिनों में जो वात प्रकोप होता है तो उससे हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो आप सभी इस तरह से उपयोग करके जरूर देखिए, लेकिन तलाश है।